तो अपन स्टार्ट करेंगे आईज से। तो HB पेंसिल ली अपन ने और पूरे में ऐसे फिल कर लो, ओके, स्मूथली। छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टम्प यूज किया ऐसे सर्कुलर। फिर लो थोड़ी डार्कर शेड जैसे लाइक 4B। अब 4B पूरे में नहीं फिल करना, ऊपर से स्टार्ट करो 4B, ठीक है। और नीचे आते आते लाइट हो जाना चाहिए, ऐसे पूरा नहीं भरना है अपन को, नीचे आते आते लाइट होगा। फिर ब्लेंडिंग स्टम्प लिया, ऊपर का हिस्सा ब्लेंड किया, नीचे नीचे भी सर्कुलर चलाओ तो ऊपर धीरे धीरे डार्क टू लाइट का एक शेड आया हल्का। एक और डार्कर पेंसिल लो, और डार्कर क्या हो गई, 8B हो गई, ठीक है। एकदम से डायरेक्ट 10B नहीं लेना, 8B भी सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पोर्शन पे रखो ऐसे, इस तरीके से बहुत हल्का हल्का, बहुत ना के बराबरी, थोड़ा नीचे लाए, ठीक है। अब इसको भी ब्लेंड करो, तो ऐसे जो बीच में जहां छोड़ा है वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए, उस पर भी सर्कुलर चलाओ, जो डार्क टू लाइट है वो दिखना चाहिए ऐसे। और फिर आता है 10B फाइनल लेयर। तो 10B और ये जो अपन ने प्यूपिल बनाई थी, मतलब ऊपर का हिस्से में उतनी डेप्थ होनी चाहिए जितनी डेप्थ की प्यूपिल है, ठीक है। तो इसको भी हल्का हल्का शेड करो। आउटलाइन जो है आई की वो भी 10B से बनाओ, लेकिन ऐसे गड़ा के नहीं बनाना कि एकदम बहुत ऑड लगे, हल्के से बनाओ। और फिर इसको ब्लेंड करो, ऐसे धीरे धीरे ब्लेंड करो। आराम आराम से ब्लेंड किया और इतना हो गया अपना, ओके। जो आसपास यहाँ शेड थोड़ा फैल रहा है बाहर, इरेज कर लो और इतने में अपना हो जाता है। जो अपनी आई ब्राउज है, आई लैशेस है, वो सब अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी करा तो फिर वो ब्लेंड करते समय ये फैल सकती है, ठीक है। तो इतना करो पहले। HB पेंसिल यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट करते आईज से, ठीक है। तो पहले अपर पोर्शन बताऊंगा, तो ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसे भी ऐसे करो, यहां से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे जैसे नीचे कर्व है तो हल्का हल्का ऐसे कर्व शेड करो, एक बार में पूरा नहीं आ पा रहा है फेयरली, तो यहाँ से ऐसे करो कर्व, यहाँ पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे डायगनल। तो उससे क्या होता है, वो जो कर्व का एक रहता है ना प्रोसेस, बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं ले जा रहे, क्योंकि अपन को यहाँ से देखो ये जो पोर्शन है चीक्स की जो हाईलाइट है वो छोड़नी है। सेम चीज अपन यहाँ करेंगे, एकदम बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ना है ये, ठीक है। ये जो आई के सामने कवरिंग सी बनाई थी ना, ये वी शेप अपन ने वहां से लेना है, इस तरीके से, ओके। नीचे वाले हिस्से में भी सिर्फ इतना ही कर्व करना है जहां तक ये बनाए थे, उससे ज्यादा नीचे कर्व नहीं करना है ऐसे, ठीक है। फोरहेड का आता है तो फोरहेड में ऐसे वर्टिकल नहीं करना, अपन को फोरहेड में करना है तो बहुत लाइटली लाइटली आराम से चलाते हुए ऐसे हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपन, बालों वाले एरिया में आने दो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा नीचे तक आता जाए, अपन को रुकना है एक पॉइंट पॉइंट पे जहाँ पे आईब्रोज मिल रहे हैं ना, ये ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसे यहाँ पे हुए और रुक गए अपन। अब क्या करना है, नोज पे देखो ये कर्व आ रहे हैं, इसी तरीके से आउटर एक जो कर्व है उसे शेड करना है। बीच का हिस्सा जो है वो हाईलाइट के लिए छोड़ो अभी से, ओके। बाकी जो नोज का है, यहाँ से जो नोज स्टेम कर्व दी थी, यहाँ से जो नोज का जो अपन सर्किल बनाते हैं वो भी ड्रॉ करवाया था, तो वो शेड करो। यहाँ से जो नोज का कर्व आ रहा है बहुत आराम आराम से इसे कर्व में शेड करना है, ऐसे नहीं कि हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, कर्व में शेड करो। और मिक्स होते होते यहाँ नोज पे आया, सर नोज कह रहा आईज वाले पोर्शन पे आया ऐसे। तो ये जो अपर पोर्शन रहता है वो हो गया है, तो पहले इतना कर लो। तो अगर यहाँ ध्यान दोगे तो चीक्स वाले रीजन पे ये जो ट्राइंगल टाइप है ये हाईलाइट बनता है, सेम चीज यहाँ पे, और थोड़े उठे हुए तो यहाँ पे चीक बोन्स आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक कर्व सा आता है, मतलब कर्व तो नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर डाउनवर्ड, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। तो हल्का सा पेन HB पकड़ो, यहाँ से लाए डाउनवर्ड। अब अपने मन से कहीं पे भी नहीं कि ऊपर नीचे कहीं पे भी कर दिया, यहाँ पे जो है
ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, मेरे को भी हल्का हल्का ग्रिड दिख रहा है इसमें, मैंने उससे बना दिया। फिर सेम चीज यहाँ पे हल्का सा आया और नीचे की तरफ चला गया। ओके, तो इस तरीके से बनाना है। अब पेंसिल पीछे पकड़ो, इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ओवल करो, सर्कुलर शेडिंग रहती ना जो, अब सर्कुलर शेडिंग, ओवल शेडिंग इस तरीके से। उससे क्या रहता है, डार्क नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं कि अपन एक अलग डायरेक्शन बना दी तो वो कहते हैं ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अपन को क्या दिमाग में रखना है, ट्राइंगल शेप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे रखा इस तरीके से, फिर यहाँ पे जो आया यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर्व कर लेना। ठीक है, अब हल्का हल्का यहाँ से आएगा। देखो अपन को ट्राइंगल शेप चाहिए तो दो साइड आ गई अपनी, ये एक साइड यहाँ की और चाहिए। तो अपन को अगर इतना एक चाहिए होता है, लेट्स से कि अपन को इतने एरिया में, छोटे से एरिया में हाईलाइट चाहिए, तो अपन उससे ज्यादा एरिया छोड़ते हैं, क्योंकि क्या है, तीन से जब चार लेयर लगाते हैं तो उनका ग्रेफाइट आते आते वो जो बीच में गैप रहता है ना, इतने और इतने के बीच का ये वाला, वो भर जाता है। अगर अपन इतना से ही छोड़ेंगे तो एंड में वो पूरे गायब हो जाते हैं, इसलिए अपन थोड़ा जो गैप है वो ज्यादा छोड़ते हैं। इस तरीके से कर्व होते हुए आया ये। ओके, इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे ऐसे करते हुए आया अपन सर्कल ओवल शेडिंग में, धीरे धीरे ऊपर वाले हिस्से पे गई, यहां से शेडिंग करते हुए आए, यहाँ ज्वाइन किया, दो साइड में गए ट्राइंगल के, फिर थोड़ा डायगोनल में शेड किया यहाँ यहाँ पे ऐसे ऊपर तक। ओके, तो अपन ने हल्का हल्का शेड करते करते अपने चीक पे जो है वो कर लिया। फिर ये वाला जो एरिया है, अब ऐसे छोड़ना नहीं है अपन को, मेनली क्या था, जब अपन ने यहाँ पे कॉलर बोन पे भी बनाया था तो अपन ने ब्लेंडिंग स्टंप और ब्रश सबसे पहले यहाँ चलाया था, सेम चीज यहाँ पे होगा, ताकि ये थोड़ा उठा हुआ दिखे, क्योंकि बाकी का जो एरिया है ये नीचे वाला, ये तो नॉर्मली शेड होगा, बाहर की तरफ मत शेड कर देना बैकग्राउंड में। ओके, ये तो नॉर्मली शेड होगा, इस तरीके से डायगनल में करना। ओके, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं, यहां तक आएगा बस। अब चिन पे यहाँ पे हाइलाइट्स रहते हैं, चिन पे कैसे करना है, ओवल शेप रहेगा तो कैसे, नेल्स के ऊपर बहुत ध्यान ध्यान से करना, ऐसे सर्कुलर शेडिंग करो। ठीक है, नीचे से स्टार्ट, एक सर्किल में करते जाओ, ये अपन चिन का जो कर्व बनाया था यहाँ यहाँ पे, सेम चीज यहां से करेंगे कर्व करते करते ऊपर, ऐसा नहीं बहुत छोटा सा छोड़ दिया या फिर पूरे हिस्सा छोड़ दिया, ये करो। अब बचा कुचा जो एरिया है उसे शेड कर दो। ठीक है, सेम इस तरीके से इसको भी ऐसे डायगनल में शेड कर दो। देखो भाई, स्मूथ होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं अगर जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ तो तुम लोग भी कर पाओ, नहीं जरूरत है उसकी, बहुत स्लोली कर रहे हो, स्मूथली कर रहे हो काफी है। ठीक है, यहाँ आप इसकी बॉर्डर पे हल्का हल्का ऐसे शेड किया, बहुत हल्का हल्का, ताकि ब्लेंडिंग पे काम आए, और ये अपना फर्स्ट लेयर जो है वो शेड हो जाता है। ठीक है, तो अभी इतना करो आज के लिए, इतना ठीक है।